हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस यस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू एवरीवन फॉर दिस वेबिनार बाय एलिमेंट हेल्थ सूट एंड माय सेल्फ पुष्पेंद्र, एंड आई एम अ ट्रेनर हियर इन द एलिमेंट हेल्थ सूट। सो टुडे वी आर टेकिंग द वेबिनार टू इंट्रोड्यूस यू What is the medical coding? Okay, and this webinar I'll take in the both language, in Hindi and English. So I hope language is not a barrier for anyone. Okay, so first of all, I think बहुत सारे लोग आप यहाँ से फार्मा फील्ड के होंगे, कई डिफरेंट फील्ड के भी होंगे, मे बी साइंस बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि दिस फील्ड मेडिकल कोडिंग जो है, दैट इज फॉर एवरीवन। नॉट नेसेसरी कि आप साइंस बैकग्राउंड से ही हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आप नहीं कर सकते। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो तो भी आप इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। सो मैं यदि जैसे बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज थे, तो मेडिकल सुन के ऐसा लगता है कि मे बी ये सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री वालों के लिए होगा या साइंस इंडस्ट्री वालों के लिए होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो इन मेडिकल कोडिंग कोई भी अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है। ओके, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि हेल्थ केयर बैकग्राउंड से होते हैं उनको थोड़ा इजीएस्ट होता है, क्योंकि हेल्थ केयर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये वाले पार्ट्स उनके वो ऑलरेडी गो थ्रू होते हैं इनसे, राइट? तो उनके लिए थोड़ा इजी होता है, बट दैट डजेंट मैटर कि अदर फील्ड वाले इसको नहीं कर सकते हैं। सो ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मेडिकल कोडिंग। इन मेडिकल, जैसे हमको इन जैसे हम इंडिया में हैं, तो हमको जैसे रहता है कि हॉस्पिटल्स हैं, राइट, या मेडिकल शॉप्स हैं, या फिर प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, मेडिसिन जहां हम बनाते हैं। तो ये सब जो हमारे कन्वेंशनल जॉब क्राइटेरिया हैं या जॉब सेक्टर्स हैं बोलते हैं, जहां पे हम जॉब सर्च करते हैं। बट मेडिकल कोडिंग इंडिया में नया तो नहीं बोलूंगा मैं कि न्यू कॉन्सेप्ट है, दैट इज फ्रॉम लॉन्ग अगो। बट अवेयरनेस की बात की जाए तो मेडिकल कोडिंग को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है कि ये भी एक फील्ड है जहां पे हम कैरियर सेटअप कर सकते हैं, कैरियर स्टार्ट करके एक अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस मेडिकल कोडिंग होता क्या है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। और मेडिकल कोडिंग जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप में बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि इन इंडिया अगर देखा जाए तो हमारा काफी सारा जो जॉब है आज की डेट में वो आउटसोर्सिंग के बेस पे चलता है। आई थिंक एवरीवन अवेयर अबाउट द आउटसोर्सिंग, राइट? जैसे बीपीओ होते हैं, केपीओ होते हैं, आईटी सेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जो जॉब आता है वो डिफरेंट अदर कंट्रीज से आता है, हम उनको वो जॉब प्रोसेस करके उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सेम जो मेडिकल कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंडिया का नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप, इंडियन हेल्थ केयर का नहीं है मेजरली। ये जो मेडिकल कोडिंग है वो यूएस हेल्थ केयर का जॉब है। आई थिंक एवरीवन कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? हिंदी इज ऑल्सो कंफर्टेबल टू एनीवन फ्रॉम द साउथ। अगर उनको कोई है जिनने ज्वाइन किया हो, जिनको हिंदी से प्रॉब्लम हो, तो लेट मी नो। ओके, सो आई डिस्क्राइब इन बिटवीन इन इंग्लिश ऑल्सो। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। सो इन दिस वेबिनार व्हाट टॉपिक वी हैव कवर्ड? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेबिनार जो है वो मेडिकल कोडिंग का, और मेडिकल कोडिंग टोटली बेस्ड ऑन द यूएस हेल्थ केयर के लिए, नॉट फॉर द इंडिया। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यूएस हेल्थ केयर होता क्या है, कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, और एक पूरा जो साइकिल होता है यूएस का, मतलब पेशेंट के हॉस्पिटल या क्लिनिक आने से लेकर उसके पेमेंट तक का, दैट ऑल कवर्ड इन द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। उस कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। फिर मेडिकल कोडिंग होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, एंड व्हाई शुड वन कंसिडर अ कैरियर इन मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग। व्हाई मीन्स ऑब्वियसली अगर हम कैरियर की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट नो कि व्हाई आई विल स्टार्ट कैरियर इन दिस फील्ड। देन अगर कैरियर स्टार्ट करना है तो वेरियस जॉब इन इंडिया एज वेल एज, बिकॉज आई एम राइट नाउ इन द अहमदाबाद, मैंने स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद टू हियर, तो मैंने गुजरात का रखा हुआ है। बट मैं आपको और डिफरेंट इन इंडिया की जब मैं बात करूंगा, तो इंडिया में किस सिटी में कौन सी कंपनीज है, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सब बताऊंगा। देन द बेनिफिट्स एंड पर्क्स इन दिस फील्ड, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द फ्यूचर ग्रोथ इन मेडिकल कोडिंग। इफ एनीवन वांट टू स्टार्ट कैरियर, ऑब्वियसली ही और शी इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, राइट? एंड हाउ यू विल गेट द राइट ट्रेनिंग टू एंटर इन दिस फील्ड।
सो दिस इज अ यूएस हेल्थ केयर, टोटली डिफरेंट देन आवर इंडियन हेल्थ केयर. जैसे इंडिया में अगर हमको डॉक्टर के पास जाना है तो हम क्या करते हैं, राइट नाउ नाउ डेज वी विल टेकिंग द अपॉइंटमेंट, चाहे हम फोन से ले सकते हैं या वहां जाके हम एंट्री करवा देते हैं, फिर हम सीधे डॉक्टर चूज कर लेते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाना है, वहां पे हम ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, फिर हम अगर कोई टेस्ट लिखा है तो लेबोरेटरी में जाते हैं, और अगर टेस्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लिखा है कोई मेडिसिन, तो हम मेडिकल से लेके वापस अपने घर आ जाते हैं. जितने भी जगह हम जाते हैं वहां पे हमको पेमेंट आउट ऑफ पॉकेट करना रहता है, राइट? वी आर पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जैसे डॉक्टर की फीस, लैब की फीस, जो आपने मेडिसिन लिए उसकी फीस, ये सब आप पे करके वापस घर आ जाते हो. तो हर जगह आपको अपने पॉकेट से अमाउंट पे करना रहता है. ये इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है. बट यूएस में जो मेजर अमाउंट है वो इंश्योरेंस पे करती है. एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दैट, हेल्थ के इंश्योरेंस. जैसे अभी इंडिया में ड्यू टू द कोविड हेल्थ इंश्योरेंस काफी बूम आया, उसमें कि एवरीवन वांट टू इंश्योर्ड, राइट? इवन स्मॉल एप्स जो होते हैं अपने, इवन फोन पे, डिफरेंट बैंक्स, इनने भी अपने इंश्योरेंस क्रिएट किए. पहले इंश्योरेंस कंपनी जैसे सबसे पहले LIC, हम इंडिया में सुनते थे कि LIC है, फिर डिफरेंट HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC रेलिगेयर, ऐसे कंपनियों ने. नाउ डेज आप फोन पे और पेटीएम में भी देखोगे कि वो कोविड इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. तो इंडिया में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अभी अभी थोड़ा सा हाइक होके आया है. बट यूएस में विदाउट इंश्योरेंस कोई भी पेशेंट नहीं होता. इफ अ किड बॉर्न, तो वो 2 महीने तक के अपने मॉम के इंश्योरेंस पे रहता है, और उस आफ्टर 2 मंथ के बाद उसका खुद का इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट इन द यूएसए. तो यूएस में जब आप सर्विस लेते हो, सर्विस विद मीन्स जब आप किसी डॉक्टर के पास से कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, तो मेजर अमाउंट आपको पे नहीं करना रहता है. मेजर अमाउंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले पे करते हैं, सर्टेन अमाउंट आपको अपने पॉकेट से पे करना रहता है, ऐसे बोल सकते हैं. तो वहां पे जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंश्योरेंस का वेरिफिकेशन होता है. इन यूएसए यू कैन कंसिडर एवरी वन इंश्योर्ड, सबके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस होगा, या तो वो गवर्नमेंट साइड से होगा या तो प्राइवेट होगा, पर इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि यूएस हेल्थ केयर काफी कॉस्टली है. और एक पर्सन अपने पॉकेट से हेल्थ केयर सर्विस वहां पर बियर नहीं कर सकता, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है जिसको डॉक्टर से मिलना है, तो सबसे पहले उसका इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होता है कि वो जिस ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है उसके लिए वो इंश्योर्ड है कि नहीं है. सेकेंड थिंग में पेशेंट का डेमोग्राफिक एंट्री होता है, जैसे कहाँ से आया है, उसका मतलब जिप पोस्टल कोड या पिन कोड क्या है, उस एरिया में कहाँ से, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन डेमोग्राफिक एंट्री में, ठीक है, एज, नेम, दैट ऑल द इंटर्ड. देन जो हमारा काम रहेगा एज अ मेडिकल कोडर, वो होता है थर्ड स्टेप, ICD, CPT और HCPCS कोडिंग. इसको मैं डिटेल बताऊंगा तीनों को कि मेडिकल कोडिंग होती कैसी है. ओके, देन ये करने के बाद हम चार्ज एंट्री करते हैं. चार्ज एंट्री मतलब जो भी सर्विसेज है कोडिंग की, उसका जो जितना अमाउंट होता है वो हम एक फॉर्म में एंटर करते हैं, और वो फॉर्म हम क्लेम सबमिशन मतलब इंश्योरेंस को भेज देते हैं. फिर इंश्योरेंस चेक करता है कि कितना अमाउंट हमको पे करना है, डॉक्टर को, लैब को, मेडिसिन मतलब फार्मेसी को, ये सब पेमेंट एंट्री में आता है. इन केस अगर कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो वो हो जाता है डिनायल. डिनायल मतलब पेमेंट करने से डिनाय कर देता है इंश्योरेंस. तो एक ग्रुप होता है या कुछ सर्टेन एक बोलना चाहिए एक ब्रांच ही है जो डिनायल मैनेजमेंट करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि पेमेंट क्यों नहीं आया, राइट? और पेमेंट क्यों नहीं आया उसका रीजन आइडेंटिफाई करके वापस रिप्रोसेस करती है. और एक टीम होती है AR जो फॉलो अप लेती है कि पेमेंट नहीं आया है तो कब तक आएगा. अगर एवरीथिंग इज फाइन, पेमेंट आ जाता है, तो पेशेंट के पास रिपोर्ट आ जाता है. एक डॉक्टर के पास आता है इंश्योरेंस, तो एक रिपोर्टिंग आइडेंटिफाई हो जाती है कि डेट इतना इतना अमाउंट प्रोसेस हुआ है. सो ये एक कंप्लीट साइकिल होता है मेडिकल बिलिंग वर्क फ्लो में, राइट? इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. तो यूएस का जो प्रोसेस होता है हेल्थ केयर का वैसा होता है, बिकॉज यूएस हेल्थ केयर टोटली बेस्ड ऑन द इंश्योरेंस. नाउ ये तो मैंने आपको बताया इन जनरल ब्रीफ में कि होता कैसा है. सेम थिंग ये जो है ये 12 स्लाइड्स में यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, जिसको एक्चुअली बोलते हैं हम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. तो मैंने इंश्योरेंस वेरिफिकेशन से यहाँ स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पहले भी होता है पेशेंट का स्केड्यूल, राइट? तो यूएस में ऐसा नहीं है कि आपका मूड हुआ और आप बस डॉक्टर के पास चले गए कॉल करके कि ठीक है मेरे को ट्रीटमेंट के लिए आना है. वहां पे एक सर्टेन पूरा ग्रुप होता है डॉक्टर्स का, और उसके लिए पहले आपको स्केड्यूल करना पड़ता है अंटिल
अनलेस आप कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए नहीं जा रहे हो। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस है तो ऑब्वियसली उसके लिए आप स्केड्यूल अपने आप को करोगे नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल ओपीडी के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्केड्यूल लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लोगे आप उस पर्टिकुलर स्लॉट का, और उसके बाद फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हो। सो द थिंग इज दैट आजकल जैसे इंडिया में भी प्रैक्टो करके एप्लीकेशन है, आप लोग को मे भी बहुत लोगों को पता होगा, तो प्रैक्टो में भी वही सर्विसेज स्टार्ट की है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हो, इवन पेमेंट भी पहले कर सकते हो उसमें। फिर इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होता है, फिर एक सर्टेन अमाउंट डॉक्टर के पास से पेशेंट के पास से डॉक्टर खुद ले लेता है। जैसे अगर $100 की सर्विस है तो वो $20 पहले ले लेगा और $80 इंश्योरेंस के लिए रहेगा। फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर देगा, प्रोवाइडर मतलब जब भी मैं वर्ड प्रोवाइडर यूज करूँ इसका मतलब डॉक्टर है, ठीक है। यूएस में डॉक्टरों को हम प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन होता है कि किस लिए आया था, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या एग्जामिनेशन हुए, वो सब का एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमारे पास पेपर या पीडीएफ या ईएमआर फॉर्मेट में आता है, और उस पे हम मेडिकल कोडिंग जो वर्क होता है वो करते हैं। तो इस 12th स्लाइड में जो हमारा मेजर वर्कअप होगा वो होगा 5th नंबर की स्लाइड का। ओके, उसके बाद देन जो मैंने बताया डेमोग्राफिक एंड चार्ज एंट्री, फिर क्लेम्स की चेकिंग होती है, इंश्योरेंस जाने के बाद अगर कोई एरर होती है तो एरर रिजॉल्व करते हैं हम, फिर क्लेम सबमिशन मतलब इंश्योरेंस को हम क्लेम सेंड करते हैं, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो पेमेंट प्रोसेस हो जाता है अकाउंट में, और अगर कोई भी इश्यूज रहे तो फिर डिनाइल हो जाता है, फिर डिनाइल टीम उसका एक मैनेजमेंट करती है कि क्यों डिनाइल हुआ, क्यों पेमेंट नहीं आया है, वो आइडेंटिफाई करती है और वापस से क्लेम सेंड करती है, और एआर टीम चेक करती है कि पेमेंट कितना आया, कैसा आया, क्यों नहीं आया, एवरीथिंग, राइट। और जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो पेशेंट के पास एक स्टेटमेंट आ जाता है, प्रोवाइडर के पास एक स्टेटमेंट आ जाता है कि दैट इतना इतना आपको पे करना रहेगा, इतना इतना इंश्योरेंस ने पे कर दिया है। तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, इन शॉर्ट आरसीएम, आरसीएम साइकिल्स। ये मेजर है, जब भी आप आओगे मेडिकल कोडिंग की फील्ड में तो आपको बार बार ये वर्ड सुनने मिलेगा, आरसीएम साइकिल, आरसीएम मैनेजर, दैट आरसीएम इज नोन एज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। सो नाउ गोइंग ऑन फॉरवर्ड मेडिकल कोडिंग, बिकॉज इन 12 में हमारा मेजर वर्क जो रहेगा वो 5th नंबर की स्लाइड से रहेगा। सो मेडिकल कोडिंग और बिलिंग होता क्या है एक्चुअल, देखा जाए तो इस आरसीएम साइकिल में मेडिकल कोडिंग जो है वो 5th नंबर की स्लाइड है। इसके अलावा आपको जो भी दिख रहा है 1 to 4 and 6 to 12, ये पूरा पार्ट जो होता है वो मेडिकल बिलिंग का होता है, राइट। तो ये पूरा 1 to 4 and 6 to 12 मेडिकल बिलिंग है, और 5th नंबर का जो वॉकअप रहेगा वो ओनली मेडिकल कोडिंग है। सो मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग आर टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट इन द मॉडर्न हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द यूएसए, राइट। इन इंडिया में भी अभी आप देखोगे तो अपोलो है, तो अपोलो हैव दे स्टार्टेड मेडिकल कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपोलो वाले लेके आए, क्योंकि अपोलो का आपने देखा होगा खुद का अपोलो म्यूनिक करके इंश्योरेंस है, अपोलो के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, उसके बाद अपोलो के फार्मेसीज भी है, अपोलो के लेबोरेटरीज भी है। तो अपोलो ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट किया है कि इंश्योरेंस से लेके पेशेंट का जो भी है ट्रीटमेंट, लैब, एक्सरेज, फार्मेसी, ये सब अपोलो के अंडर में आ जाता है। तो अपोलो सेम एक कॉन्सेप्ट जो यूएस का कॉन्सेप्ट है उस पे अपोलो ने एक बोलना चाहिए मेडिकल कोडिंग काइंड ऑफ स्टार्ट किया है खुद का। तो आप देख सकते हो कि कोडिंग एंड बिलिंग टू क्लोजली रिलेटेड है। अगर कोडिंग नहीं होगी, चलो 1 to 4 तो बिलिंग कर लेगा, लेकिन 5th नंबर के का स्लाइड मिसिंग हो गई तो ये आगे 6 से 12 तक के, 6 to 12 तक के प्रोसेस नहीं होगा, राइट। और अगर 1 to 4 नहीं हुई तो 5th नहीं होगा। तो अ काइंड ऑफ ये कोडिंग और बिलिंग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। बहुत प्रैक्टिस आर इन्वॉल्व इन द इमेंशली इंपॉर्टेंट रिम्बर्समेंट साइकिल। ऑब्वियसली अगर इसमें से कोई भी एक हम मिस कर देते हैं तो रिम्बर्समेंट जो है, राइट, रेवेन्यू रिम्बर्समेंट, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो द थिंग इज दैट जो कुछ मेजर टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं यूएस में, तो इंडिया में जैसे हम डॉक्टर ही बोलते हैं, राइट, डॉक्टर, पेशेंट, नर्सेस, यूएस में डॉक्टर को दे आर यूजिंग द वर्ड प्रोवाइडर, ओके, प्रोवाइडर बोलते हैं, और सर्विस, ट्रीटमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया तो यूएस में बोलते हैं द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज मतलब जो भी ट्रीटमेंट दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, लैब सर्विसेज दी, दैट ऑल अंडर कम्स अंडर द वर्ड सर्विसेज। देन पेयर, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है उनको हम पेयर बोलते हैं, बिकॉज वो पे करती हैं, और पेड मतलब जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया वो पेड होगा, और जो अमाउंट डिनाय कर दिया दैट इज नोन एज डिनायल। तो ये मेजर 5 टर्म्स है जो मैं आगे यूज करूंगा, तो जब भी मैं अगर प्रोवाइडर वर्ड यूज करूँ तो आप समझ जाना कि ये डॉक्टर्स के लिए है, सर्विसेज मतलब ट्रीटमेंट दे रहा है फॉर दैट।
ओके, सो मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग इज बेस्ड ऑन द केपीओ। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब वो बताते हैं कि हम ये जॉब कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो बीपीओ जैसा जॉब है, राइट? क्योंकि तो आउटसोर्सिंग है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा आप आउटसोर्सिंग का जॉब कर रहे हो तो बीपीओ काइंड ऑफ होगा। बट बीपीओ और केपीओ दो डिफरेंट इंडस्ट्री है। बीपीओ जो होता है दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, राइट? जैसे हम वी हैव दैट, जैसे एयरटेल्स है, रिलायंस है, इनके जो कॉल सेंटर्स होते हैं दे आर कम्स अंडर द बीपीओ बिकॉज दे हैव द टर्म्स एंड कंडीशन। एक उनका पर्टिकुलर सेटअप होता है कि आपको ये कॉल पे बताना है, ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको ये सब, आपको सामने वाला जो भी आपका रिटेलर बोल सकते हो आप या जो आपका कस्टमर है उनको आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एक सेटल्ड इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोसेस करते हो, राइट, वो होता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जो बिजनेस मॉड्यूल पे रहता है। केपीओ में होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, यहाँ पे आपको आपका नॉलेज प्रोसेस करना होता है, मतलब जो भी प्रोसेस है उसके लिए आपका नॉलेज इंटरिम रहता है। कैसे? अगर आपको पेशेंट का डिफरेंट चार्ट आता है तो देखो एवरी पेशेंट हैज अ डिफरेंट डिसीज, आपको कोई एक सेट ऑफ पेशेंट नहीं आएगा कि 10 पेशेंट एक टाइप के आएंगे, या तो एज डिफरेंट होगा, या तो उसके साइन एंड सिम्टम डिफरेंट होंगे, या उसको डिसीजेस डिफरेंट होंगी। तो एवरी टाइम यू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स ऑफ पेशेंट। अगर 10 पेशेंट लूंगा मैं तो 10 के 10 सेम नहीं हो सकते, राइट? अगर COVID-19 की चलो एग्जाम्पल बात करें तो 10 के 10 को COVID-19 होगा, अग्री, एक ही डिसीज है, पर सबके सबका एज डिफरेंट होगा, या तो सबका सिम्टम डिफरेंट होगा, सीवियरिटी डिफरेंट होगी। एक एक COVID-19 असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एक COVID-19 ऐसा है जिसको वेंटिलेटर का नीड नहीं है, एक COVID-19 ऐसा है जिसको ऑक्सीजन से काम चल सकता है, एक का ऐसा है जो बहुत सीवियर है जिसको सब कुछ चाहिए, ओके, इंटेंसिव केयर यूनिट बोल सकते हैं। तो एक सर्टेन डिसीज के लिए अगर हम 10 पेशेंट ले तो 10 के 10 जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। इसमें कोई प्रोसेस मॉड्यूल नहीं है कि बिजनेस काइंड ऑफ की आपको एक ही इन्फॉर्मेशन देते जाना है आपको, इसमें आपको आपका नॉलेज लगेगा, नॉलेज बेस पे आपको वो प्रोसेस करना है। दैट्स व्हाई द मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग इज बेस्ड ऑन द केपीओ इंडस्ट्री, राइट? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मेडिकल कोडिंग? हम इतनी देर से बात करते आ रहे हैं मेडिकल कोडिंग एंड कोडिंग, बट व्हाट एग्जैक्टली? तो मेडिकल कोडिंग जो होता है, एक यहाँ पे मैं आपको क्लियरेंस देता हूँ, कोडिंग से दिमाग में आता है जैसे सम इंजीनियर्स, मे बी कोई इंजीनियर्स भी होंगे यहाँ पे, एवरी वन नाउ अडेज अवेयर अबाउट स्कूल टाइम से C++ सब पढ़े होते हैं, तो दिमाग में क्या रहता है कि कोडिंग मीन्स कहीं वो तो नहीं है जो हम जावा, ठीक है, तो ये सब जो होता है C++ जावा लैंग्वेज कोडिंग, पर मेडिकल कोडिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ कोडिंग, ओके? ये C++ जावा टाइप वाला नहीं है, प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं है। इसमें क्या होता है, कोडिंग तो करते हैं हम, बट इसका एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ बुक होता है, और बुक के अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर डिसीज का कोड करते हैं। कोड क्यों करते हैं? कोड एक यूनिवर्स यूनिफॉर्मिलिटी देता है, राइट? अगर मैं बोलूं डायबिटीज के साथ कोई पर्टिकुलर डिसीज है, राइट, तो अगर मैं हर बार बोलूं तो जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस में जो बंदा बैठा है वो भी इतना नॉलेजफुल होगा या उसको इतना इंफॉर्मेशन पता होगी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में जो डॉक्टर को पता है, राइट? एक डॉक्टर और एक इंश्योरेंस कंपनी, जो पर्सन है इंश्योरेंस कंपनी में, डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? तो डॉक्टर ने जो पर्टिकुलर वर्कअप किया, तो हो सकता है कि कई बार अगर वो डॉक्टर ने सिर्फ लिखा कि डायबिटीज है पेशेंट को, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डायबिटीज है तो पेशेंट का पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर एज के लिए, उसके लिए कोड डिफरेंट होंगे। पर इंश्योरेंस कंपनी में जो बंदा बैठा उसको ये नहीं पता है कि डायबिटीज के लिए कितना अमाउंट पे करना है, पर अगर मैं कोड दे दूं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कि इसका ये इतना, इसका इतना, तो एडवांटेज क्या मिलेगा हमको कि उस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट पे करना है, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ कोड एंटर करना रहेगा, उसको मत से मतलब नहीं कि पेशेंट को किस लेवल की डिसीज है, क्या है। सो दैट इज वेरी इजी फॉर हिम, फॉर इंश्योरेंस कंपनी, एक सर्टेन अमाउंट या यूनिफॉर्म अमाउंट पर्टिकुलर प्रोवाइडर या डॉक्टर को वो पे कर सके। तो इसके लिए हम हर एक डिसीज, जो भी प्रोसेस होता है, राइट, जो भी हम इंजेक्शंस देते हैं या मेडिसिन देते हैं, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर हमने कोड फॉर्म करके रखा है जिससे प्रॉपर यूनिफॉर्म पेमेंट प्रोसेस हो सके, ओके? सो उसके लिए 3 बुक है। एक होती है ICD-10, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, इसका शॉर्ट फॉर्म में है ICD, ओके, 10th वर्जन। सेकेंड है CPT, दैट इज नोन एज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, और थर्ड है हिपिक्स, ओके, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। इन 3 बुक के बारे में आपको इन डेप्थ डिटेल में आगे बताऊंगा।
सो ऑब्वियसली कोडर नीड ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है? अब ये डाउट आता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी सबको नहीं आती है। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ या इंजीनियरिंग फील्ड से, तो मेरे को मेडिकल टर्मिनोलॉजी उतने अच्छे से नहीं आती है, बट डजेंट मैटर, दैट्स वाई वी हैव टेकिंग द ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें हम कंप्लीट कोर्स कराते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी का, ताकि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी का प्रॉपर आपको नॉलेज हो जाए, राइट? सो ये जो पॉइंट है दैट वी विल कवर इन आवर ट्रेनिंग। देन कोडर मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड बिलिंग टू अप्लाई करेक्ट गाइडलाइन। ऑब्वियसली इन सब जो मैंने आपको बताया तीन बुक्स, इनकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कि कब कैसे हमको कोड करने हैं, और कोडर मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग, और हम उसको वही चीज को यहाँ पे ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि कैसे गाइडलाइन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेडिकल कोडिंग, टू कोड दैट पर्टिकुलर डिसीज, प्रोसीजर और सप्लायर्स बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री बुक्स। तो हम वन बाय वन लेते हैं बुक्स। ओके, सो दैट इज द थ्री बुक्स। अब ये बुक्स का साइज को देख के आप ऐसा फियर मत करना या पैनिक मत होना कि इतनी मोटी मोटी बुक है, इसको पढ़ना है या याद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक एवरी वन हैज द डिक्शनरी, सबने एक बार डिक्शनरी यूज की होगी, राइट? तो डिक्शनरी में बहुत सारे पेजेस होते हैं, दे आर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, राइट, एक डिक्शनरी में। बट जब भी आपको कोई मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को इस वर्ड का मीनिंग बताओ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, राइट? कि आप पर्टिकुलर वर्ड पे जाते हो डिक्शनरी ओपन करके, और उस वर्ड को फाइंड आउट करके उस पेज में विद इन अ फ्यू मिनट, भी नहीं बोलना चाहिए, अंडर 1 मिनट आप उसको आइडेंटिफाई करके आप उसका मीनिंग बता देते हो कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। द सेम थिंग ये जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, राइट? तो टेलीफोन डायरेक्टरी में तो लैक्स ऑफ नंबर फीड होते हैं, बट जब हमको किसी का नंबर देखना हो तो टेलीफोन डायरेक्टरी में तो अराउंड विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट हम वो पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम थिंग इन बुक्स के साथ होता है, इनका साइज तो इतना बड़ा है, बट जैसे हम टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी यूज करते हैं, इन बुक्स को भी हमको सेम वैसे ही यूज करना रहता है। बोलते हैं दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी है बुक्स, बट इसका यूज बहुत ही ज्यादा ईजी है। ये जो थ्री बुक्स है जो मैंने ICD-10 की बात की थी, CPT की और हिपिक्स की, ये है वो तीन बुक्स। तो ये ICD-10 की है, ये CPT की और ये हिपिक्स की है। वन बाय वन हम लेते हैं बुक्स को। ये ICD-10 की बुक है, तो वॉट एग्जैक्टली द बुक कवर्ड? ओके, सो लेट गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो नाउ इन दिस सिनेरियो, ओके, ICD-10-CM जो बुक्स है उसकी फंक्शनलिटी और प्रीफेसेस में क्या इंडेक्स काइंड ऑफ मैंने बताया है। तो सबसे पहले इसमें दो लिस्ट होती है, एक होती है टेबुलर और एक होती है अल्फाबेट। ओके, सो इसमें डिसीज और इंजरीज, जितने डिसीजेज आपको नोन है और नोन नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, नोन है और नोन नहीं है, बोलने का मतलब वी डोंट नो वेयर, मतलब इन कंप्लीट वर्ल्ड। ओके, WHO के थ्रू वेरीफाइड होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी डिसीजेज हैं वो सारे के सारे इस बुक में इंक्लूड होती है। ओके, और इंजरीज, इंजरीज मीन्स जैसे गन शॉट वुंड है, कोई पेशेंट अगर सीढ़ियों से गिर गया, या लेसिरेशन हो गया, हाथ का कट 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 हाथ में कट लग गया, ठीक है, ये सारे इंजरीज वो सारे के सारे इस बुक में इंक्लूड होती है विद देयर कोट्स। ओके, तो दो कोट होते हैं, डिसीज और इंजरीज का, और एक्सटर्नल कॉज, अगर कोई इंजरी हुई है तो कैसे हुई है, पेशेंट अगर गिर गया है, देखो रोड एक्सीडेंट में डिफरेंट इंजरीज हो सकती है, पेशेंट का हाथ कट गया अलग इंजरीज हो सकती है, गन शॉट वुंड में, रियोट में अलग इंजरीज हो सकती है। तो इंजरीज में तो एक पर्टिकुलर पार्ट में होगी, जिसको वुंड बोलेंगे हम, चलो वुंड बन गया, बट वुंड किस इंजरी से बना हुआ है तो उसका कॉज भी पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल कॉज जो होते हैं उसका भी इसमें पूरा डेटा रहता है। देन टेबल ऑफ नियोप्लास्म वो डिफरेंट होता है, बिकॉज कैंसर के जितने भी कोड होते हैं वो एक डिफरेंट टेबल में इसमें दिए होते हैं। कैंसर मीन्स एनी काइंड ऑफ, या बोल सकते हैं ऑल काइंड ऑफ कैंसर इंक्लूडेड इन दिस बुक। और फिर होता है टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल्स, बहुत सारे ड्रग्स ऐसी होती है, जैसे अभी सबने मोस्टली ऑलमोस्ट लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन करवाया होगा, राइट? तो कोविड के वैक्सीनेशन से ऑब्वियसली एक दिन फीवर आता है, राइट? फीवर या हेडेक या बॉडी पेन, ये सब होता है। तो ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, उसके कारण जो भी ये इफेक्ट हुए हैं। ओके, सो दैट ऑल इफेक्ट हैपन इन दिस वाया दैट पर्टिकुलर ड्रग, सो दैट इंक्लूडेड इन दिस एज एडवर्स इफेक्ट,
बाया ड्रग एंड द केमिकल्स, तो हम इसको ऐसे भी इसमें इंक्लूड करके रखा हुआ है। देन फंक्शनलिटी फीचर्स मतलब हाउ वी आइडेंटिफाई, तो इसमें क्या होता है, दे आर सम इंडेक्स गिवन, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे डिक्शनरी में इंडेक्सेस होते हैं या टेलीफोन डायरेक्टरी में होते हैं, जैसे मेरे को अगर टेलीफोन डायरेक्टरी में देखना है तो अगर हाउस शॉप्स पर्टिकुलर अपेरल्स के हैं, ठीक है, लाइक फूड कोर्ट्स के हैं, तो जैसे एक मैंने एक पूरा इंडेक्स बना रखा है, तो अगर मेरे को देखना है कि फूड कोर्ट में जो है वो मान लो 100 to 200 पेज में है, तो मैं डायरेक्ट वहां पे चले जाऊंगा। सेम थिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया होता है एक अल्फाबेटिकल इंडेक्स, और उसका इन डिटेल देखने के लिए उस कोर्ट का हम जाते हैं दैट टेबुलर इंडेक्स में, राइट। तो वी हैव द टू इंडेक्स। देन पॉपअप इंस्ट्रक्शन नोट्स, अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं पर्टिकुलर कोर्ट के, सो दैट इज इन द पॉपअप इंस्ट्रक्शन नोट्स में रहते हैं। एंड द लास्ट थिंग, एबिलिटी टू टोगल, टोगल मीन्स एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में हमको कैसे मूव करना है, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिवन इन दिस बुक। सो इतनी बड़ी बुक है, एक बार मैं आपको तुम्हें बता नहीं सकता, दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर दैट, बट डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ आपको आगे बताने की कि कैसे कोड्स होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें ICD-10 कोड्स का, या यस कैन यू टेल मी इन इंग्लिश? या श्योर, आई विल यूज बोथ लैंग्वेज, ओके। सो इफ इफ यू विल टेक दैट द एग्जाम्पल, हाउ वी विल हाउ द कोड इज देयर इन ICD-10, ओके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। इन दिस लाइक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस एक डिसीज है। सो डायबिटीज की बहुत सारे डिसीज, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, एंड डायबिटीज एक ऐसे डिसीज है, काइंड ऑफ डिसीज इन विच यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेज ऑल्सो इंक्लूडेड, बहुत सारे डिसीजेज और हो सकती हैं। जैसे लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, डायबिटीज विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, विद किडनी कॉम्प्लिकेशन, विद कीटो एसिडोसिस, ऑप्थेलमिक मीन्स आई रिलेटेड जो हो सकते हैं, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी। सो विद डायबिटिक वी हैव लॉट्स ऑफ डिसीजेज इंक्लूडेड, विथ मीन्स एसोसिएटेड, ओके, उसके साथ वो हो सकते हैं। बट द थिंग इज दैट इफ अ प्रोवाइडर या डॉक्टर मेंशन दैट डिसीज इज देयर, एक डिसीज ऐसी है डायबिटीज की, ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी में जो पर्सन बैठा है, द पर्सन इन द इंश्योरेंस कंपनी, ही इज नॉट अवेयर, उसको पता नहीं है कि इतनी सारी डिसीजेस हैं। सो दैट्स वाई वी क्रिएटेड अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द कोड, ओके। सो नाउ इफ आई रोट E11.11, अगर मैंने लिख दिया E11.11, सो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो पेमेंट होने वाला है वो है $100, ओके। सो दिस कोड इज यूनिवर्सल। इफ डायबिटीज विद कीटो एसिडोसिस विद कोमा, पेशेंट को ये कंडीशन है, इफ पेशेंट है दैट कंडीशन, एंड आई पुट दैट कोड फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, इफ आई पुट दिस कोड E11.11, सो इन दिस सिनेरियो प्रोवाइडर नोज दैट इसके लिए $100 मिलेंगे, इंश्योरेंस नोज दैट $100 मिलेंगे। तो जैसे इंश्योरेंस इस कोड को एंटर करेगी, चार्ज एंट्री टीम इसके लिए $100 का कोड डालेगी, ऑटोमेटिक पुल हो जाएगा, एंड प्रोवाइडर एंड इंश्योरेंस पर्सन या इंश्योरेंस कंपनी बोथ आर ऑन द सेम पेज, जो एक ही पेज में रहेंगे कि इसके लिए इतना अमाउंट आने वाला है, जो इस डिस्क्रिप्शन से टफ है, बिकॉज इतने सारे डिस्क्रिप्शन है। तो द कोडर, द वर्क ऑफ अ कोडर, जो कोडर का वर्क होता है वो क्या होता है, जब प्रोवाइडर ने पेशेंट का पर्टिकुलर विजिट नोट बनाया, जब पेशेंट को देखा प्रोवाइडर ने, ही क्रिएटेड अ पर्टिकुलर नोट व्हाट वाज डिसीजेस पेशेंट हैव, सो अ कोडर रीड दैट डिस्क्रिप्शन, ओके, दैट दैट डिसीज पेशेंट हैव, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नोट ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के यूज ऑफ द ICD-10 बुक एंड आइडेंटिफाई दिस कोड एंड एंटर दिस कोड इन टू द सॉफ्टवेयर, ओके। सो प्रोवाइडर के जो नोट आता है, विजिट नोट, उसको हम देखते हैं, उसमें कंडीशन आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी है, और उस कंडीशंस को हम इस बुक में जाके चेक करते हैं, डायबिटीज विथ इसके लिए कौन सा कोड है, और उस कोड को हम एंटर करते हैं डायरेक्ट EMR फॉर्म में, ओके, कि इसके लिए ये। तो जब इंश्योरेंस को ये कोड जाता है, तो इंश्योरेंस को पता है कि इसके लिए $100 पे करना है, प्रोवाइडर को पता है, डॉक्टर को, कि इसके लिए मेरे को $100 मिलना है, तो वहां पे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस नहीं रहता है। बट अगर हमने ये वर्ड लिखा तो वो आइडेंटिफाई करने में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि बिकॉज एक डायबिटीज के साथ इतनी सारी डिसीजेज इनबिल्ट है, राइट। तो पेशेंट, इंश्योरेंस के पास इतना टाइम नहीं है और उसको इतना नॉलेज भी जरूरी नहीं है कि हो उस पर्सन को कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सर्टन करे। हो सकता है इसके लिए E11.21 कंटेन $100, E11.22 $150, E11.22 only $80, तो ये तीन डिफरेंट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के तीन डिफरेंट अमाउंट हो, लेकिन हम अगर कोड डालते हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिक पॉपअप होकर पर्टिकुलर अमाउंट डिलीवर्ड होगा। दैट इज द वर्क फॉर द मेडिकल कोडर। तो दिस इज फॉर द डिसीज, अगर डिसीज है तो। वॉट अबाउट अगर
सो ओके, व्हाट अबाउट इफ कोई प्रोसीजर किया? अब वह प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी हमने सर्विसेज दी है, जैसे ऑपरेशंस, सर्जरी, नॉर्मल सूचर अगर किया जिस फॉर द लेसिरेशन हुआ, या हाथ में कट लगा है तो हमने बैंडेड लगाया है, या बैंडेड नहीं तो स्टिचेस लगाए हैं, और कोई हमने अल्ट्रासाउंड किया, किसी पेशेंट का लैब टेस्ट किया, वी डिड द लैब टेस्ट, और वी डिड सम टाइम यू कैन से अल्ट्रासाउंड और द यूरिनलिसिस, मेनी काइंड ऑफ टेस्ट इज देयर, राइट? सो दैट ऑल टेस्ट और द प्रोसीजर्स कम्स अंडर दिस बुक. तो इसमें इन पर्टिकुलर वन आईसीडी के थ्रू हमने अमाउंट किसके थ्रू, किसके लिए लिया? पर्टिकुलर डिसीजेस के थ्रू. एंड इन दिस वी विल टेक दैट पर्टिकुलर इन द सीपीटी फॉर्म. ओके, इन दिस सीपीटी वी आर टेकन ऑल प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर्स होते जो मैंने बताया, वी विल टेक इन दिस. मेन थिंग इन दिस बुक व्हाट एग्जैक्टली, एज वी आर यूजिंग द सेम आईसीडी बुक लाइक इंडेक्स एंड द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, सेम हम इसमें परफॉर्म करते हैं सीपीटी बुक में, राइट? कि सीपीटी में भी हम वैसे ही जाते हैं, प्रोसीजर आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका पर्टिकुलर एक कोड ले लेते हैं कि ये वाला कोड लेना है. सो द डिफरेंस इन दिस मेजर ICD-10 कंटेन द 7-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, एंड इन सीपीटी वी हैव 5-डिजिट कोड. ओके, तो वो इन डेप्थ डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, वी विल आई विल टेल लेटर पर्टिकुलर इन द सीपीटी क्या होता है, इन द ट्रेनिंग पार्ट आई विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट. अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. सो इन सीपीटी थ्री काइंड ऑफ Category 1, Category 2 एंड Category 3. मेजरली Category 2 और 3 हम रेयरली यूज करते हैं, मेजर हम यूज करते हैं Category 1 के कोड्स. तो होते कैसे कैसे है, द वन मोर थिंग सेकेंड पॉइंट जो कंटेन करता है, द मेजर पार्ट ऑफ दिस बुक कंटेन, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखना, एवरी वन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, फिजिशियन, कोडर्स, पेशेंट एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ केयर सर्विसेज से है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, एवरी वन ऑन द सेम पेज, बिकॉज मेजर अमाउंट जो रिम्बर्समेंट का RCM में होता है, द मेजर अमाउंट कंटेन बाय द सीपीटी बुक्स. ओके, तो मेजर अमाउंट कंटेन बाय द सीपीटी बुक, इसका ही हमको पेमेंट मिलता है. सो सीपीटी हैव दैट डिफरेंट, जैसे मैंने बात की कि सीपीटी बुक में होता क्या, व्हाट एग्जैक्टली इन द सीपीटी बुक. सो इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डेफिनेटली डॉक्टर चेक द पेशेंट वाइटल्स लेगा, उसके वाइटल्स टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स अंडर द इवेल्यूशन, नाम से पता चल रहा है, इवेल्यूएट करना और उसका मैनेज करना. फिर एनी एनेस्थेसिया, इफ एनी सर्जरी रहेगी तो एनेस्थेसिया कवर्ड इन दिस सेक्शन. एनी सर्जरी लाइक देयर आर मेनी सिस्टम्स इन द बॉडी, ऑल सिस्टम्स हैव द पर्टिकुलर सर्जरी, और सर्जरी जो रहेगी वो इस सेक्शन में कवर होगी. देन द रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी कंटेन अल्ट्रासाउंड, ओके, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, दैट ऑल कोड्स कंटेन इन दिस सीरीज. देन पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी, ऑल द लैब टेस्ट कवर्ड इन दिस वन. एंड एनी मेडिकेशन डन बाय द प्रोवाइडर और द फॉर्म इज प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल ऑल्सो दैट कम्स अंडर दिस सीरीज. सो यहाँ पे एक सेगमेंट बना दिए हैं इन लोगों ने, जैसे मेरे को अगर एक्सरे का कोड देखना है, एक्सरे ऑफ नी, ओके, नी पेन में एक्सरे देखना है, तो मैं डेफिनेटली मेरे को 7 सीरीज में मिलेगा, राइट? अगर मेरे को कोई लैब टेस्ट देखना है, ग्लूकोज का लैब टेस्ट, तो मेरे को 8 सीरीज में ही मिलेगा वो. सो इट दिस बुक इज डिवाइडेड लाइक दिस, पर्टिकुलर सेट्स ऑफ द कोड. एंड इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर, इफ यू कोई पर्टिकुलर हमको सर्विसेज देखना है जो प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किए या कहीं और से भी लिए है, तो वो हमको, वी विल गेट दैट पर्टिकुलर सर्विसेज ऑन दिस लिमिटेशन ऑफ दैट कोड या पर्टिकुलर दैट सीरीज ऑफ द कोड. सो एक एग्जाम्पल रखा है मैंने, क्योंकि मैं डायबिटीज को लेके चल रहा हूँ. तो जैसे मैंने डायबिटीज डिसीज के लिए पर्टिकुलर कोड लिए थे, तो डायबिटीज के लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, विच टेस्ट वी परफॉर्म फॉर डायबिटीज? तो डायबिटीज के लिए जनरली वी टेक द ब्लड टेस्ट रिएजेंट या ग्लूकोज टेस्ट वी विल टेक. सो दे आर 5 कैटेगरी डिफरेंट, दैट द ग्लूकोज ब्लड रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट जो होता है हम घर पे ले सकते हैं, राइट? देन एक होता है ना फास्टिंग, नॉन फास्टिंग, राइट? तो एक होता है पोस्ट ग्लूकोज डोज, ग्लूकोज लगाने के बाद जो जो है उसका, ठीक है, फास्टिंग नॉन फास्टिंग के लिए टोलरेंस टेस्ट होता है, उसके बाद ADDL टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव ब्लड एक्सेप्ट रिएजेंट स्ट्रिप के बगैर अगर किया हुआ है, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोड फॉर द डायबिटीज. तो जिस टाइप का टेस्ट हुआ है डायबिटीज का, तो अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा टेस्ट हुआ है या विच काइंड ऑफ टेस्ट परफॉर्म बाय दैट लैब
वी विल चूज अवर पर्टिकुलर कोड. ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, तो हर एक टेस्ट के लिए जो अमाउंट होगा जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट? वो सेम नहीं होगा. तो अगर जो सर्विस प्रोवाइड की है प्रोसीजर सर्विस, तो हमको प्रॉपर उसमें से रीड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट के लिए रिएजेंट स्ट्रिप यूज हुई थी, उसके लिए $100 है, और एक पेशेंट के लिए सेम जो किया था वो विदाउट रिएजेंट हुई थी, उसके लिए $80 है. तो हम पहले नोट पढ़ेंगे, ओके स्ट्रिप टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था, और अकॉर्डिंग टू अगर हुआ था तो हम ये वाला कोड पुल कर लेंगे 82948 का, और अगर नहीं हुआ था तो 947 का. तो अकॉर्डिंग टू दैट पेमेंट चले जाएगा. तो जो सीपीटी बुक होती है इसके थ्रू हम पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर हुआ है, राइट? तो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, तो मैंने दिखाया था ट्रेनिंग में हम ये यूएस हेल्थ केयर आरसी में साथ हम कॉमन पढ़ाते हैं, पर्टिकुलर गाइडलाइंस क्या होती है, कन्वेंशंस क्या होते हैं, लीड कैसे करते हैं कोड, राइट? ये हम सब इसमें बताते हैं. सेम फॉर द सीपीटी बुक, सीपीटी बुक में भी वही कन्वेंशंस होते हैं, कोड बुक की लीडिंग होती है, कोड कैसे सर्च करने हैं, वी आर कंसिडर ऑन दैट ऑल. जैसे मैंने आपको बताया था आईसीडी में, वैसे सेम जैसे आईसीडी में सेक्शंस बताए थे मैंने, सेम यहाँ पे सीपीटी सॉरी दैट हिपिक्स सीपीटी में सेक्शंस होते हैं, राइट? तो सीपीटी के सेक्शंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आपको कि ये पर्टिकुलर कोड की रेंज है. थर्ड बुक आती है हिपिक्स की. ओके, तो हिपिक्स जो बुक होती है, HCPCS जैसे लिखा रहता है, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम. तो हिपिक्स के बुक का मेजर जो यूज है वो है सप्लाई मैनेजमेंट का, कि व्हाट सप्लाई वी आर प्रोवाइडेड. अब दो चीज हो सकती है, प्रोवाइडर एक तो इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट करेगा और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, या तो सर्जरी या लैब टेस्ट ये सब कराएगा, लेकिन उसके बीच में प्रोवाइडर ने कोई मेडिसिन दिया है, उसके लिए कोई व्हील चेयर दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई डीएमई होगा, केन होगा, पेशेंट को एम्बुलेटरी सर्विसेज लगी होगी, ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट, हॉस्पिटल बेड यूज किए होंगे उसने, देयर लॉट्स ऑफ थिंग जो सर्विसेज और ट्रीटमेंट के अलावा भी होती हैं, ठीक है, रेदर देन दैट द सर्विसेज एंड द ट्रीटमेंट दैट ऑल कम अंडर द हिपिक्स. ओके, सो यू कैन चेक हियर, सेगमेंट दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड दैट ऑल गिवन. उसके अकॉर्डिंग ए सीरीज पूरा ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज जो हो रही है उनके लिए है, ठीक है, देन ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, व्हील चेयर, केन, ये सब इसके अंडर में आ जाएंगे. रिहैब सर्विसेज जो भी होती है वो एच सीरीज में आ जाएंगे. कोई भी ड्रग जैसे इंसुलिन का ड्रग दिया है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब वैक्सीनेशन दिए उनके लिए ये वाला सीरीज हो जाएगा, राइट? ड्रग सीरीज, राइट? ना, वैसे डिफरेंट कोड है कोविशील्ड कोवैक्सीन के देखा जाए तो, बट राइट, अगर कोई भी इंसुलिन है या कोई भी इंजेक्शन है, कोई भी ओरल ड्रग है, वो जे सीरीज में फॉल होने वाली है. कोई भी लैब पैथ की सर्विसेज जो मिलेगी दैट्स कम्स अंडर द पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी. ओके, दैट फॉल अंडर दैट. देन एनी प्राइवेट पेयर कोर्स है, विजन एंड हियरिंग सर्विसेज है, दैट ऑल कम्स अंडर द वी सीरीज. ओके, देन एग्जाम्पल ऑफ द हिपिक्स कोड. इफ एग्जाम्पल की बात करें, जस्ट आई एम सेइंग कि मैं शुरू से डायबिटीज को फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है, कि डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज इन स्टार्टिंग ऑफ दैट फॉर ऑल सीरीजेस. सो आईसीडी वी विल टेक E11, आईसीडी में हमने ये लिया. सेकेंड, मैंने जब सीपीटी की बात करी, सो आई विल टेक द सीपीटी कोड्स 82947 दैट ऑल मीन्स ग्लूकोज टेस्ट फॉर डायबिटीज. एंड द थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूँ इंजेक्शन इंसुलिन सप्लाई की, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सप्लाई, सो दिस इज अ सप्लाई कोड. ओके, तो सप्लाई कोड इन दिस यू विल टेक जे सीरीज ऑल फॉर, सी हियर, जे सीरीज फॉर ड्रग एडमिनिस्टर्ड अदर देन द ओरल कीमोथेरेपी मेथड, लाइक एनी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और आईवी ड्रग. सो दैट इज द जे सीरीज. सो इफ आई एम टेकिंग फॉर द इंसुलिन, यू विल चेक हियर, दैट इज हाईलाइटेड हियर, इंजेक्शन इंसुलिन पर 5 यूनिट. सो इफ पेशेंट टेकन इंसुलिन इंजेक्शन, पेशेंट ने इंसुलिन इंजेक्शन लिया है, सो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट वी विल टेक J1815, दिस इज द कोड. सो 5 यूनिट है, अगर 15 लिया तो मैंने इसको इंटू 3 करके दे दूंगा. सो इंश्योरेंस कंपनीज नोज दैट कि विच पर्टिकुलर इंजेक्शन टेकन बाय द पेशेंट, कौन सा इंजेक्शन पेशेंट ने लिया है. अब हर एक इंजेक्शन का यहाँ देख सकते हो आप, टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है, एबेसिमैब एंड एसाइक्लोवर, दे पर्टिकुलर डिफरेंट यूनिक कोड, सबके यहाँ डिफरेंट यूनिक कोड्स दिए हुए हैं. सो लाइक इंसुलिन का ये यूनिक कोड होता है. सो इंश्योरेंस कंपनी को अवेयर नहीं है कि विच इंजेक्शन प्रोवाइडेड, इंश्योरेंस कंपनी नॉट अवेयर इंसुलिन दिया है, क्या दिया, इंसुलिन किस लिए यूज होता है. सो इफ यू आर पुट दैट कोड ओनली J1815, फॉर एग्जाम्पल $10 का ये है, सो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस प्रोसेस कर देगा. सो द मेजर वर्क फॉर द मेडिकल कोडर इज
पर्टिकुलर विजिट नोट आइडेंटिफाई करके, यू नो, यू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर विजिट नोट. अब डॉक्टर के पास होकर डॉक्टर तीनों चीज करेगा, राइट? फर्स्ट करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा विच डिसीज पेशेंट है वो. सेकेंड वर्क ऑफ वो आपको लैब टेस्ट या पैथोलॉजी लेबोरेटरी देगा या एक्सरे, ऐसा कुछ रहा अगर पेन वेन रहा तो एक्सरे लेके देगा. एंड थर्ड थिंग, पर्टिकुलर कोई उसके ट्रीटमेंट प्लान, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग देगा, राइट? तो यू कैन आइडेंटिफाई ऑन दैट विजिट नोट विच डिसीज पेशेंट है वो. सेकेंड थिंग, विच काइंड ऑफ लैब पैथ और एक्सरे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट. एंड थर्ड थिंग, विच काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मैनेजमेंट इज देयर, कौन सा ड्रग पेशेंट को लिख के दिया है. आइडेंटिफाई दैट ऑल दैट थिंग, कन्वर्ट इन टू द कोड एंड पुट इन द फॉर्म, ओके, और पुट इन द सॉफ्टवेयर. दैट इज द वर्क ऑफ द मेडिकल कोडर. एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्री बुक बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल कोडर, यू नो, परफॉर्म देयर वर्क. ये बोल सकते हो जैसे भी है, और पर्टिकुलर अपने मैथोलॉजिकल बुक्स होती है ना, कि आपको रामायण महाभारत और जैसे गीता बोलते हैं, अब दिस काइंड ऑफ बुक यू कैन से ऐसे कि ये कोडर्स, विदाउट दिस बुक कोडर कैन नॉट परफॉर्म. नाउअडेज वी हैव द सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी हमारे पास प्रोवाइडेड है इन सेम, इन बुक्स के जो कंटेंट होते हैं सॉफ्टवेयर में भी इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट आपको एक दिखा देता हूँ कि यही आप चीज, आप ICD-10 डेटा, एक जनरल फ्री सॉफ्टवेयर है ICD का. अगर मैं बात करूँ E11.22 की, तो डायबिटीज के लिए, तो सेम आपको यही चीज यहाँ पे मिलेगी, डायबिटीज टू विथ डायबिटिक क्रोनिक किडनी डिसीज. एंड इन माई स्लाइड्स द सेम थिंग इज गिवन, ओके, दैट इज, यू कैन सी यर E11.22. लेट मी पुट ऑन द प्रेजेंटेशन मोड. सी, चेक, टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस विद डायबिटिक क्रोनिक किडनी डिसीज. सो दैट इज द बुक. और सेम थिंग आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चूज कर सकते हो. तो वी हैव द सेम थिंग इन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो, एंड वी हैव द पर्टिकुलर बुक्स फॉर दैट. सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन इधर सॉफ्टवेयर, बट ओनली फॉर द ICD, CPT एंड हिपिक्स. फॉर दिस टू बुक्स, हिपिक्स नॉट, हिपिक्स ऑल्सो यूल गेट इन CPT मेजरली. यू आर नॉट गेट द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन द सॉफ्टवेयर. देर लॉट्स ऑफ मेनी कन्वेंशन एंड दैट ऑल दैट थिंग्स जो हमको सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर प्रोवाइड नहीं होती, इन आई मीन इन द फ्री सॉफ्टवेयर. इफ यू हैव द पेड सॉफ्टवेयर एंड दैट इज वेरी कॉस्टली, राइट, 17-18,000 रुपीज इन INR फॉर दैट, फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑफ द CPT. और यू कैन से एनकोडर, ओके, एनकोडर कंटेन ऑल दैट थिंग, ऑल थ्री बुक्स इन वन सॉफ्टवेयर, दैट इज एनकोडर. चार्जेस अराउंड 15-20,000 फॉर वन. सो दैट इज, इवन द बुक इज ऑल्सो कॉस्टली कमिंग. इफ यू परचेज द ओरिजिनल बुक, इट्स अराउंड $230 ऑल थ्री बुक सेट्स. सो दैट इज द थिंग, बट डोंट वरी, यू डोंट नीड टू परचेज एनी बुक, ओके. सो दैट इज द हिपिक्स. सो हिपिक्स के एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं. नाउ द मेन थिंग, वॉट इज द CPC सर्टिफिकेशन. जैसे हम बोलते हैं कि मेडिकल कोडिंग है, सो ऑब्वियसली हाउ अ पर्सन इज एंटर्ड इन दिस फील्ड. सो जैसे हम अगर किसी भी जॉब के लिए आप जाते हो, राइट, तो आपने कोई भी डिग्री ले रखी होगी, किसी ने फार्मेसी ले रखी होगी, कोई इंजीनियरिंग करके होगा, कोई कॉमर्स की डिग्री होगा, सम पर्सन है इन द BA, सम किसी ने मास्टर्स भी लेकर रखे होंगे, बट एटलीस्ट यू हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम डिग्री टू गेट एनी जॉब, एवरीवन वांट, राइट? द सेम थिंग हियर, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड CPC सर्टिफिकेशन, राइट? दैट इज नोन एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर. इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द USA, देन यू नीड टू थिंग. वन, एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ द मेडिकल कोडिंग, पर्टिकुलर हाउ टू आइडेंटिफाई द कोड, हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर डिसीजेस एंड हाउ टू लीड दैट बुक, ठीक है, कैसे कोड सर्च करना है, कैसे बुक को लीड करना है, तीनों बुक को, तीनों बुक का एक साथ यूज कैसे करना है. फर्स्ट थिंग यू वॉन्ट दैट. एंड सेकेंड थिंग यू वॉन्ट दैट पर्टिकुलर मंथ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, राइट? दैट इज नोन एज, दैट इज प्रोवाइडेड बाई AAPC. AAPC, दैट इज नोन एज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल कोडर. लाइक वी हैव द पर्टिकुलर RGPV, जैसे आई एम परसुइंग माई डिग्री फ्रॉम द RGPV, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय. देन डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज देयर इन इंडिया, राइट? सो AAPC इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, बट यू कंसिडर इट द यूनिवर्सिटी हु कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन. सो ये होता है. सो दैट, ऑल दैट थिंग्स कम्स अंडर द CPC. सो फॉर CPC ट्रेनिंग एट इन द एलिमेंट हेल्थ सूट, वी आर प्रोवाइडिंग द CPC ट्रेनिंग एज वेल एज ऑब्वियसली कंप्लीट द मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग. विदाउट मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग नो वन विल पास द CPC एग्जामिनेशन. सो दैट ऑल थिंग वी कंटेंट इन द
TPC examination training, like the what is the US healthcare? Obviously, that is not for the India, right? We are working for the USA indirectly. So you must know about the actual US healthcare knowledge. जो मैंने प्रीलिम्स साइट में बताया था, the 12 slides, उसका पर्टिकुलर इन डेप्थ नॉलेज, पर्टिकुलर आरसीएम साइकिल, ना द सीपीटी गाइडलाइन, द सीपीटी बुक्स में कन्वेंशन, कोड बुक रीडिंग्स कैसे होती है, द सेम थिंग फॉर द ICD-10, द फर्स्ट बुक, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड बुक, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बुक, वॉट काइंड ऑफ कोड इज देयर, हाउ टू रीड द कोड, वॉट इज द गाइडलाइन, वॉट इज द कन्वेंशन, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन. देन दैट इज अवर एक्सक्लूसिव थिंग, बिकॉज एज आई सेड, मेनी पीपल मे बी हियर हु इज नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और द हेल्थ केयर बैकग्राउंड. सो डोंट वरी, वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एज वेल एज द पैथोलॉजी. मीन्स एनाटॉमी, बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उसमें से कौन कौन से फिजियोलॉजी कैसे वर्कअप करते हैं सारे सिस्टम, और सारे सिस्टमों में कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, दैट इज पैथोलॉजी. हम वो सारा का सारा पार्ट ट्रेनिंग में कवर करते हैं. देन ऑब्वियसली असेसमेंट, बिकॉज वॉट एग्जैक्टली यू लर्न एंड वॉट इज योर लूज पॉइंट, कहाँ पे आपको और रिक्वायरमेंट है लर्न करने का, वो पता चल सकता है टेस्ट एंड असेसमेंट से. तो टोटल ऑल चैप्टर्स जो है उसके लिए हमने असेसमेंट रखे हैं विथ 8 मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट मीन्स जो रियल एग्जाम होता है सीपीसी का, 150 क्वेश्चंस का, वैसे हम 8 मॉक टेस्ट लेते हैं. सो 8 मॉक टेस्ट, इट मीन्स अ लॉट. सॉरी, इफ आई एम टेकिंग द 8 मॉक टेस्ट, यू कैन कवर ऑल दैट थिंग. गिव मी वन सेक. ओके, सो एंड आफ्टर दैट डाउट सॉल्विंग सेपरेट सेशंस, वॉट एवर योर डाउट्स. एज आई टोल्ड यू, दैट बुक इज टू कॉस्टली, अराउंड 29,000-30,000 रुपीज की पड़ती है बुक ओरिजिनल. बट हियर वी आर प्रोवाइडेड द सेम बुक्स कॉपी, ओके, जेरॉक्स कॉपी वी आर प्रोवाइडेड. दैट सर्विस एक्चुअली राइट नाउ वी आर exclude that we provided month full access previously, but icd10data.com is there and some site is also provided which will provide in the CPT. So software knowledge we are also provided, because if you are enter in any industry books sab jagah nahi rehti hai, right? They are providing software, so software ka bhi knowledge hum provide karte hain. सॉफ्ट कॉपी नोट्स, सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे. एंड वन मोर थिंग, ये जो तीन बुक्स बताई मैंने, ICD, CPT एंड HIPEX, इसकी जो ओरिजिनल कॉपीज होगी, सॉफ्ट कॉपी, लाइक आई मीन द PDF वर्जन, वो ओरिजिनल्स वी विल प्रोवाइड. इवन दैट ऑल्सो कंटेन $100, बट वी प्रोवाइड हियर फॉर फ्री दैट. देन APC सीट बुकिंग, यस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग इन एग्जाम, तो डेफिनेटली वी आर हेल्पिंग यू टू हाउ टू गिव द एग्जाम, हाउ टू बुक योर सीट, एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड वी आर प्रोवाइडेड. एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रिज्यूम बिल्डिंग, वंस यू विल कंप्लीट दैट कोर्स, डेफिनेटली we are helping you to prepare for interview and also help to prepare of the resume building. Okay, and at the end of the certification, and once you will clear all assessment with the 75% score, okay, means the all chapter wise specific assessment and 8 mock test, once you will clear with the 75% okay in each, then we will provide a certification of completion of course from our side, and that is valid throughout the India. Okay, to you, if you having that certificate and if go any organization for the job, and if they will cross check to that your certification, so that is valid. For that I want to show you two things. This is our website, okay, if you will check elementhealthsuite.com, that is here, and in the about us section, that is yeah, this is our certificate. Okay, so if we will provide you the certificates, so many have the doubts how this is valid or not, what is the proof. So this is our Government of India's MCS certificate. You can save in your in your system, and you can check in the Zoom also. I will provide that save option also. That is Government of India given. Form 16, that all, that is our LLP number, okay, digital signature, and with that MCS, that particular stamp, okay. And the second is by the ODM, that is our ODM registration certificate with our name, and that all sections are education and all information you will check here. So this is the valid certification for us. So what certification of the completion of course we will provide to you, that is totally legal, okay. And one more thing on the same scenarios, I'll show you.
that many people say, oh, what is the structure of the course? So that is the structure of the course, right? What exactly is like the demo session right now I'm providing, and the revenue cycle, US healthcare, that is the all the information with the completion of hours we are providing. So you can see here, my screen is visible to everyone, right? Yes, sir. Did you hear my Okay. Yes. So that is the course structure. So you can check here the person who is not belonging from the healthcare background, especially I want to show them. See here a particular system, and we are given here anatomy, physiology, pathology, then the particular guideline. Then again, system guideline, again, system and guidelines. So APP means anatomy, physiology, and pathology. Okay. So you can check here if you are not belonging even from the healthcare background, though we covered depth detail for all system. So no one think, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट आता नहीं है, तो हाउ कैन आई वर्क? ओके, सो वी कवर इन एवरी सिस्टम, वी कवर दैट एपीपी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, एंड देन फॉर द पर्टिकुलर कोडिंग गाइडलाइन, दैट इज सीपीसी, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर कोडिंग गाइडलाइन, वी आर प्रोवाइडिंग इन देम. सो द सर्टिफिकेट पार्ट आई थिंक क्लियर टू एवरी वन, दैट वी आर प्रोवाइडिंग द लीगल सर्टिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड. ओके, नाउ द मेन थिंग एवरी वन हैज दैट इन देयर माइंड कि सब हो गया, ओके, सर्टिफिकेशन हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, बट वेयर आई विल गेट द जॉब? So many people here from outside of Ahmedabad. So first of all, this is the companies. See, there are lots of companies, but in particular one slide I do not contain all. So the major companies जिनका नाम मे बी आपने पहले से सुना होगा या जो फेमस है, राइट, मैंने उनके ही नाम अभी स्लाइड में रखे हैं. बट इवन इफ यू वॉन्ट टू डू द गूगल, यू कैन गेट मेनी कंपनीज. सो द कंपनीज, the name of the company, like Optum United Healthcare, that is from Hyderabad, Bangalore. V Technology Hyderabad, Bangalore, HGS also, Anthelio, Omega Bangalore, TCS, many TCS nowadays growing sector, okay, in the healthcare. So Gurgaon, Noida contain there in the TCS many offices, by the way. Then Cognizant, many people heard Accenture, you heard about that. Alico also in the Bangalore, Deloitte in Hyderabad, Gibbs in the Mumbai, Aurangabad, Omega also in the Bangalore, Dell also in the healthcare IT. Okay, so there are lots of companies in, you know, I'm taking the Meditab in my, so Synergy Medsol also is there, Advanced Med in Pune also, okay, 3Gen Consulting, Augustus, and Dolphin, and Cotiviti already took, okay, CMI actually. So there are lots of companies. This is the Pune-based company. So around the, across the, you can go to the north, south. South definitely there are lots of companies. In north also, if you come the west of the Mumbai region, okay. So everywhere nowadays, lots of companies there. So this is across the India, major companies name I'm taking, where you can get the job and started your career, okay. And one more thing, medical coding is known as the, you can say that is a kind of healthcare IT. Okay, that is a kind of healthcare IT job. So this is company in Ahmedabad. The people who is in Ahmedabad for that, even you can also join the outside people, but majorly the people who is in Ahmedabad, because right now I'm in Ahmedabad, so I put this slide. So the Meditab, okay, eClinical Works, AdvanMed, Medicine, iGlobal, Sanwil, Advantage Healthcare, AccuCode. Okay, then the Synergy Medsol, and as well as their Mueller Prost in Ahmedabad, you can say, and that one Allscripts, that is also one here. Okay, so there are lots of companies in Ahmedabad too. Nowadays, you will get the job. So that is open nowadays. Previously, people think if I'll do the medical coding, then where I will get the job. But nowadays, there's such a company. In two slides, I do not contain all the companies. But this is the major famous companies where you can start your career. Okay, this is the top companies. Then, what is the benefits and perks? Obviously, everyone wants some benefits if you start a career in the medical coding field. So, this all that thing which you can get if you will choose this career. See, I'm not saying you do not have the perks or benefits in the other field or other sectors, but definitely this webinar I'm taking for the medical coding, so I'm discussing about that. So we'll be part of the growing industry. Still, I'm damn sure many people don't know about the medical coding. See, dheere dheere,
ओके स्लोली अगर आप जानना शुरू करेंगे, पीपल नो अबाउट दैट, सो ऑब्वियसली द पहले प्रीवियसली वी डोंट नो अबाउट दैट मच कंपनीज थी भी नहीं, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ आना शुरू हुआ. ओके वेन द ग्रोथ इज कमिंग स्लोली, सो नाउ इज ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये हो रहा है, नाउ पीपल वॉन्ट टू कम इन द आउटसोर्सिंग. एंड यू नो अबाउट दैट टोटल इंडिया का अगर हम करेंसी काउंट करें, ओके जैसे $1 इक्वल टू 70 रुपीज, तो 45% जो हमारा करेंसी का वेटेज है वो आउटसोर्सिंग से है. उसमें वो आईटी, बीपीओ और केपीओ तीनों ले लो, 45% करेंसी का जो वेटेज हम डिसाइड करते हैं $1 इक्वल टू 70 रुपीज का, उसका 45% मतलब वो 170 जो डॉलर का हमारे पास जो विनिमय बोलते एक्सचेंज है जो, उसका 45% हम आउटसोर्सिंग से करते हैं राइट नाउ. एंड अभी तो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज आर एंटरिंग, सो हेल्थ केयर भी उतना का उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है. एंड ड्यू टू द कोविड हेल्थ केयर में बहुत अच्छा बूम आया है, सब एवरीवेयर बोलना चाहिए लोगों की जॉब चले गई. ओके मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स और डिडंट गेट द हाइक, ओके अप्रेजल नहीं आए और सेम सैलरी में काम किया, बट इन दिस फील्ड सैलरी भी आई, पीपल गेट द वर्क फ्रॉम होम, किसी की जॉब भी नहीं गई, एंड यू नो पीपल गेट द हाइक ऑल्सो इन दिस, सो दैट इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री. यू विल बी इन डिमांड, डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई रूल एवरीवन नोज दैट. अभी उतना पीपल अवेयर नहीं है तो ऑब्वियसली डिमांड, एवरीवन हैज द डिमांड ऑन दैट फील्ड. कॉम्पिटिटिव सैलरी ये एक पार्ट है जिसके बारे में मैं कंपैरिजन में डिस्कशन कभी नहीं करता, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन जॉब और सबका अपना अपना प्रॉपर फील्ड होता है. बट कॉम्पिटिटिव की बात करूँ फॉर द मेडिकल फील्ड, तो जो स्टार्टअप सैलरी होती है, लाइक आई एम फ्रॉम द फार्मा फील्ड, तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट द फार्मा फील्ड. ओके सो इवन मेनी गाइज हियर ऑल्सो फ्रॉम द फार्मा फील्ड, सो यू नो अबाउट दैट. वॉट इज द स्टार्टिंग पैकेज ऑफ द प्रोडक्शन, वॉट इज द स्टार्टिंग पैकेज फॉर इफ यू आर नॉट ज्वाइन द एमएनसी नॉर्मल, आपने किसी कंपनी में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किया, सो यू नो अबाउट द सैलरी पैकेज बिकॉज मैंने भी आई ऑल्सो वर्क एज अ एमआर इन द स्टार्टिंग, सो आई नो अबाउट दैट राइट. वॉट एग्जैक्टली द सैलरी पैकेज, सो कॉम्पिटेटिव अगर बात करूं मैं सैलरी की, सो आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड वॉट इज द सैलरी, यू कैन कंपेयर बाई ओन सेल्फ, आई विल नॉट टेल यू दैट. एजुकेशनल ऑप्शन हमेशा रहेंगे बिकॉज लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन दे आर नॉट ओनली वन सर्टिफिकेट, लाइक सीपीसी इज नॉट अ सर्टिफिकेट, देर लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन टू गेटिंग दैट. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर टेकिंग द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एपीसी, सो काइंड ऑफ कंसिडर दैट की मतलब यू आर डू द मास्टर्स जो लेवल का होता है, सो यू कैन कंसिडर बाय दैट, नॉट बाय द एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट मेडिकल फील्ड इट विल कंसिडर दैट यू डिड द मास्टर्स काइंड ऑफ थिंग राइट, बिकॉज सर्टिफिकेशन इज नॉट दैट मच इजी, दैट इज ऑल्सो अ बिट टफ. So you can start a career in month. First of all, the main thing, obviously, except the India, you can check many countries. They have the study educational, like the, you know, job based बोलते हैं जिसको, job based training. Okay, they have the job based training, job based study. इंडिया का एजुकेशनल nowadays they are changing that particular, कि वो भी job based अब जा रहे हैं. So हियर यू नो नीड टू 3 years या 4 years का डिग्री कोर्स करके आपको जॉब मिले, और यू विल टेकिंग 2 years MBA masters and then you will take the job. Here within a month, the course which will start is completing our TAT is a 3 month. Somewhat it is going on 3.5 month maximum. Okay, so in 3.5 month and your 2 month preparation, if I'll take, so within 6 month by your I completed 3.5 month, you will taking more 2 month. Within a 6 month, you are able to get the job. To completion of this course, so you will start a career in month, not in the year or 2 year or 3 year. In this opportunity of advancement, definitely there because of growing sector. Always be learning. Everyone knows that if you are a doctor, because you are directly work with the doctor in this field. Okay, you are direct contact of the doctor, so learning process is always here. And you can work from home and can work from freelancing. Right now, everyone working from the home here for the medical. कोडिंग द पर्सन हु आर इन द मेडिकल कोडिंग, मेनी पीपल इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है. एंड द फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर पार्ट, इफ यू आर पुट योर एफर्ट्स फॉर 2-3 years इन दिस फील्ड, देन यू कैन ओपन योर ओन. राइट नाउ वी आर डूइंग लाइक दैट. ओके सो वी आर डूइंग द फ्रीलांसिंग, वी आर कैपेबल, वी आर पुटिंग दैट आवर नॉलेज ऑन दैट पार्ट, सो आई एम टेकिंग द ट्रेनिंग. आई हैव द अदर सेगमेंट ऑल्सो लाइक एलिमेंट वेब ऑर्डर इन अदर सेक्शन, सो दे आर पुटिंग द फ्रीलांसिंग पार्ट. वी गेट द प्रोजेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द यूएस एंड वर्किंग ऑन दैट. And you can make a difference. That is the line. You can, you know, take by your own how you can make the difference. This is all left on you.
Now, the medical coding and billing future growth. Everyone have that doubt if I go in this field, अगर मैं field choose करता हूँ, मेरा future growth कैसा रहेगा? Right? So, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया का कोई भी डेटा नहीं है, हम US के लिए काम कर रहे हैं, तो according to the Bureau of Labor and Statistics, USA, इस फील्ड में 15% एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15% था, और ये मैंने बहुत प्रीवियसली फेच किया था. आफ्टर द कोविड देर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट और फ्यूचर ग्रोथ बहुत हाई हो गया इस फील्ड में. तब भी अगर हम नॉर्मल डेटा 15% का पुल करते हैं 2024 तक के, राइट, तो 15% ग्रोथ है इस फील्ड में. आप चेक करना एक बार अदर फील्ड का ग्रोथ, 7-9 से मैक्सिमम नहीं मिलेगा आपको. नर्सिंग में है जो 9% का है, अदर आप चेक करके देखना, आपको ये रेट कहीं नहीं मिलेगा. बट स्टिल यू ट्राइड बाय योर ओन सेल्फ, दिस इज योर होमवर्क यू कैन से. ओके, सो दैट्स ऑलमोस्ट 30,000 जॉब ओपनिंग इन द नेक्स्ट 7 ईयर. ओके, ये 15% के बेस्ड में, वहां पे 30,000 जॉब ओपनिंग वहां बोल रहे हैं. 30,000 तो अभी हमको सिर्फ कोविड के कंडीशन में लगा, इन पर्टिकुलर कोविड ही देखा जाए ना, कोविड की कोडिंग करनी थी जब हमको, पर्टिकुलर एक एक पेशेंट की कोविड डेटा एंट्री काइंड ऑफ बोल सकते हो आप, उसमें ही हमको इतने लोग लग गए. सो आगे दैट इज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, डेफिनेटली द जॉब प्रमोट होती जाएगी. विद द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे मैंने अपोलो म्यूनिक का एग्जाम्पल बताया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे जैसे एंटर होती जा रही है, ऑब्वियसली इंडिया में भी इंश्योरेंस बढ़ते जा रहा है, कोविड में तो बूम आ ही गया है, और धीरे धीरे हम भी इस फील्ड में आगे आ सकते हैं, जैसे अपोलो आया हुआ है. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे आईसीआईसीआई इंडिया की है, प्रूडेंशियल्स बाहर की है, मर्जअप होके आई है, राइट. सेकेंड थिंग, HDFC रेलिगेयर, और अभी सिग्ना, दैट इज द मोस्ट फेमस इंश्योरेंस इन द यूएसए, उसने इंडिया में मणिपाल के साथ टाई अप किया है, दैट इज मणिपाल सिग्ना. ओके, सो नाउअडेज यूएस इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द इंडिया. ओके, सो ऑब्वियसली इंडिया में भी इन फ्यूचर ये मेडिकल कोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, और होगा ही ऑब्वियसली, बट कब तक होगा आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, बट डेफिनेटली होगा तो जरूर इन दिस. सो द फ्यूचर ग्रोथ अगेन इन द इंडिया, वी हैव दैट. एंड ऑब्वियसली द मेडिकल बिलर्स और कोडर्स का, फिजिशियन ऑफिसर जैसे जैसे प्रोवाइडर्स यूएस में बनते जा रहे हैं, इनके इंडिया में भी बनेंगे, दे ऑल्सो वॉन्ट टू, उनका प्रॉपर पेमेंट है कोडिंग के बेस पे, तो वो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर में इंक्रीज होता ही जाएगा. एंड प्रेजेंटली द नीड ऑफ कोडर्स एंड बिलर्स इन हाई इन आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया, बिकॉज सीधे सिंपल एंड फैक्ट लैंग्वेज में बोलो तो इंडिया, इंडियन माइंड इज वेरी शार्प. हम करेक्शन के चांसेस बहुत कम देते हैं, हमारा एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, और सेकेंड थिंग बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, काइंड ऑफ यू आर लिबरल कंट्री, राइट. हमारा जो लेबर जो है, पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया, वो अदर कंट्रीज से देखा जाए तो हमारे चार्जेस बहुत कम है. अगर यही काम यूएस में अगर अपने बंदे से कराए या उनके पास से कराए, सो दे आर पे अ लॉट ऑफ अमाउंट, उसको वो एक और के कम से कम मिनिमम $15 तो देंगे वो, ठीक है. ओके, $15 को अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, हाउ मच इन द $15, अराउंड 1,050 रुपीज, 70 मैं लेता हूँ तो, ठीक है, 1 आवर का. और हमारे यहाँ उसको उतना पे करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ एक दिन का सैलरी भी 1,000 नहीं होगा उसका, ठीक है, 30,000 अगर मैं करूँ तो. सो रोहन, आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेशन आई विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशन, सो दैट टाइम आई विल रिप्लाई टू यू. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर ये जो डिफरेंस है, लेबर डिफरेंस, लेबर चार्ज डिफरेंस, दैट्स वाई इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत हाई हो रहा है नाउअडेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको रहेगा कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, राइट. तो सैलरी की मैं आपको 3 स्लाइड बताऊंगा, एंड आई एम बी फेयर, मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं दूंगा कि मैं आपको इतना पैसा मिलेगा और इतना ये मिलेगा और इतना सैलरी मिलेगा. जो है वो एग्जैक्टली है. आप लोग में बहुत लोगों ने ग्लास डोर के बारे में सुना होगा. ग्लास डोर इज अ साइट जो पर्टिकुलर पूरे किसी भी एक डिवीजन का, या ठीक है, या उस पर्टिकुलर फील्ड का सैलरी एनालिसिस करके सैलरी बताती है. तो ये जो सैलरी है ये हर बार चेंज होती है मंथ बाय मंथ. मैंने करंट लिया है 4th जून, टुडे इज 6th, 2 दिन पहले का मैंने अपडेट लिया है. तो एवरेज बेस पे जो आपका स्टार्टिंग है, और वो भी प्लीज चेक हियर, दैट इज 432 सैलरी को सबमिटेड किया और उसका एवरेज निकाला है. मतलब डिफरेंट कंपनीज की 432 सैलरीज ऐड करने के बाद उसका एवरेज जो निकाला वो 18,000 है मिनिमम. मतलब आपका जो कैरियर स्टार्ट होगा एज अ फ्रेशर, वो 18,000, ऑब्वियसली एवरेज बोल रहा हूं, से 22,000, समवॉट 25,000 से भी स्टार्ट होगा.
दैट इज द थिंग. अगर आप एज अ फ्रेशर विदाउट सर्टिफिकेट करते हो तो ठीक है, और अगर आप सर्टिफाइड मेडिकल कोडर, मतलब जो मैंने सीपीसी का जो बोला, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देके करते हो, तो मिनिमम आपका जो सैलरी रहेगा वो 25 एवरेज से स्टार्ट होगा. मतलब आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है, बट 25 विल गेट दैट. और ऑब्वियसली देयर डिफरेंस, अगर आप नॉन सर्टिफाइड हो तो आपका सिलेक्शन का चांस किसी कंपनी में एज वेल एज आपका ग्रोथ जो रहेगा वो एक सर्टिफाइड कोडर से थोड़ा तो कम रहेगा. बिकॉज सर्टिफाइड कोडर है तो ऑब्वियसली कंपनी को उस पर अपना टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको सिखाने में, उसको ट्रेन करने में, इतना तो सीख के आया हुआ है. तो कंपनी एज अ फ्रेशर अगर एक सर्टिफाइड एक नॉन सर्टिफाइड है तो पहले प्रेफरेंस सर्टिफाइड को देगी. ऑब्वियसली कोई भी है वो सर्टिफाइड को ही देगी, चाहे आप रहे या मैं रहूँ. ओके, तो दैट इज द डिफरेंस. तो दैट इज द एवरेज सैलरी. नाउ इन द सेकेंड स्लाइड मैं आपको बताता हूँ, दैट इज द डिफरेंट. ओके, दैट इज द ग्लास डोर. ये सैलरी पॉइंट का है. इसमें इन लोगों ने टोटल आई थिंक 149 सैलरीज इन लोगों ने एनालिसिस की है. तो 205, मतलब जनरली इसमें 5 डेज वर्किंग होती है ना, कुछ कंपनियों में 6 डेज वर्किंग होती है, अल्टरनेट सैटरडे वर्किंग होती है, बट मेजर दिस इज अ 40 आवर्स है इसमें. ठीक है, तो 2005 आवर, मतलब इन लोगों ने कंप्लीट 1 महीने का लिया. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें देखा जाता है 205 आवर्स का 4 लाख per annum पैकेज जो बोलते हैं उसको. स्टार्टिंग तब भी देखो लोवेस्ट 3.25 का पैकेज है, अराउंड 23,000 होता है पर मंथ का. मैक्सिमम इस फील्ड में आप 1 लाख 15 लाख, ठीक है, 15 लाख तक का पैकेज आप ले सकते हो इस फील्ड में. अगर आप बोलो कि ग्रोथ कितनी होती है, हाईएस्ट में कितना ले सकता हूँ, तो 15 लाख तक का ग्रोथ आप ले सकते हो इस फील्ड में. मिनिमम आपका कैरियर 3.25 से स्टार्ट होगा ऑन एंड मीडियन जो 4 लाख रखा हुआ है, बिकॉज 149 सैलरीज इसमें इंक्लूड की हुई है. सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइडिंग डिफरेंट डिफरेंट. एमएनसी थोड़ा ज्यादा देती है, स्टार्टअप कंपनी थोड़ा कम देती है. सो एन एन एवरेज आपको 18 से तो मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, 21,500 जैसे मेरी कंपनी इज गिवन, जैसे मैं प्रीवियस कंपनी था वो अभी भी 21,500 से स्टार्ट करती, दैट मेडिटेप सॉफ्टवेयर. तो 21,500 they provided starting salary of that. Okay, so that is different different companies provided different different salaries. So ये average की बात कर रहा हूँ मैं आपको, but ये that is the list one. Before that, अगर मैं यही बात करूँ COVID के time पे, COVID-19 पे जो boom आया था, जब other jobs down हो गई थी, उस समय COVID-19 में growth कितना आया था देखना, certified medical coder की salary देखना. ठीक है, अभी और पहले, अभी का जो 4 जून का data है वो है certified medical coder का 25K, right? जब COVID-19 चल रहा था दे आर रेडी टू पे 46K, ऑलमोस्ट डबल. तो जब दूसरे फील्ड में ड्रॉबैक आ रहे थे, डाउन आ रहा था, बिजनेस डाउन हो रहा है, अमाउंट नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब सेफ्टी नहीं है, हाइक नहीं आ रहा है, COVID-19 के टाइम पे, ये अक्टूबर 2020 की बात है, दैट टाइम पे ये ऑलमोस्ट डबल होने आ गया था. सो द फील्ड इज दैट, कई लोग को डाउट होगा कि मेरा जॉब सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा. तो अगर पेंडेमिक सिचुएशन में आपको ऐसा हाइक देखने मिल रहा है तो ऑब्वियसली नॉर्मल डेज में तो आपका जॉब सिक्योर है ही. ओके, आई एम नॉट, मेरे को नहीं पता कि किसी भी मेडिकल कोडर ने मेरे ग्रुप में या मेरे नोन में किसी ने बोला हो कि मेरी जॉब चले गई मेडिकल कोडिंग की इन द पेंडेमिक. ऐसा एक भी केस मेरे को तो सुनने नहीं मिला. ओके, सो दैट इज द ब्यूटीफुलनेस बोल सकते हैं इस जॉब की, इस फील्ड की, कि आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आप सिक्योर ही रहोगे इस जॉब में. देन देर मेनी कंपनीज जो मैंने आपको दिखाए थे, ओमेगा, दैट इज ऑल एमएनसीज, जिनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है पर मंथ का एनुअल वो इसमें दिया हुआ है. दैट्स व्हाई मैंने बोला कि जैसे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप 480 तक का मिनिमम पैकेज प्रोवाइड करती है, ये 430 है जुबा प्रोवाइड करती है. दैट इज कंपनी फ्रॉम मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद बेंगलुरु, कोग्निजेंट इज देयर इन हैदराबाद, E4 इन द दिल्ली नोएडा. ओके, सो दे आर डिफरेंट कंपनीज जिनका डिफरेंट डिफरेंट हुआ है. फिर भी एवरेज अगर आप देखें तो अर्निंग अराउंड 430 to 370 रिस्पेक्टिवली, ये मिनिमम पैकेज आता है आपको. सो क्वालिफिकेशन स्किल्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो ये उतना नहीं है. आपको बैकग्राउंड साइंस बायोलॉजी का हो तो मेजर प्लस पॉइंट है, नहीं हो तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको जैसे बताया है. ठीक है, स्किल्स में आपको चाहिए रहता है कोर स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड जैसे आपको रहता है ना, आपका थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, आप थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना हो. अगर आप ऐसे ABC अगर आप पैटर्न में काम करोगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा इस फील्ड में. आपको एक्सप्लोर करना हो तो एक एडवेंचरस टाइप रहता है कि ये डिसीज आया तो इसका मैं कोड कैसे फाइंड करूँ, इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, हाउ टू आई प्रोवाइड गुड अमाउंट टू प्रोवाइडर्स, डॉक्टर को मैं ज्यादा कैसे अच्छा रिइंबर्समेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो दैट इज आवर कम. एंड इन दैट ट्रेनिंग जनरली वी कवर ऑल एस्पेक्ट जो भी रिक्वायर्ड है.
गेटिंग द राइट ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि गेटिंग द राइट ट्रेनिंग आप तभी ले सकते हो जब आप पर्टिकुलर एक सेटअप इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है मेडिकल कोडर का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं व्हाई। बिकॉज आपके कोड के ऊपर पूरा रिम्बर्समेंट डिपेंड करता है, व्हाट कोड यू आर पुटिंग इन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोड इंश्योरेंस कंपनी रिलीज द अमाउंट। तो व्हाट कोड यू आर चूजिंग योर जॉब इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, क्योंकि आपके कोड के बाद से ही अमाउंट फ्लो स्टार्ट होता है। सो अगर आपने प्रॉपर कोड नहीं डाला है सो डेफिनेटली यू विल नॉट, द पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। सो दैट्स वाई द जॉब ऑफ मेडिकल कोडर इज अ वेल रिस्पॉन्सिबल जॉब, ओके, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन से। सो इन दिस पर्टिकुलर इफ यू आर टेकिंग, सो यू हैव द नॉलेज ऑफ द टर्मिनोलॉजी, यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट ऑल द गाइडलाइंस ऑफ दैट बुक। एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आफ्टर 2 ईयर्स जब आप क्लाइंट कम्युनिकेशन करोगे और यू आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द अदर स्टूडेंट इन साइड योर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट टाइप एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड बिलीव मी वंस यू वेल एंटर्ड इन दिस फील्ड, आपका चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, कोई भी मीडियम से आपने किया हो, विदिन 2 ईयर यू आर फ्लुएंट इन द इंग्लिश इन दिस फील्ड। बिकॉज यूएस के लिए काम कर रहे हो वो आपके फ्लो में आ जाएगा प्रॉपर, अगर आप फॉलो करते हो ना यूएस हेल्थ केयर, डेफिनेटली विद इन 2 ईयर्स योर इंग्लिश इज डैम फ्लुएंट। इवन आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द हिंदी मीडियम, मैंने 12th तक के हिंदी मीडियम किया है, कॉलेज में तो फिर वो इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, सो आई रेड दैट इन द कम्पलीटेड माई बी फार्मेसी दिस फील्ड एंड आई एम सी आई सी सर्टिफाइड ऑल्सो। सो इन दिस फील्ड यहाँ आने के बाद ही मैंने इंग्लिश प्रॉपर लर्न किया, सो विद इन 2 ईयर्स इवन यू विल हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन दिस ऑल्सो। राइट ट्रेनिंग एंड द पॉसिबिलिटी टू अर्निंग, ऑब्वियसली राइट ट्रेनिंग, गेटिंग द राइट, सी द थिंग इज राइट ट्रेनिंग गिव यू द राइट कॉन्फिडेंस, राइट कॉन्फिडेंस गिव यू द राइट पर्टिकुलर यू नो क्रैकिंग द इंटरव्यू, एंड वंस यू विल गेट द प्रॉपर क्रैकिंग द इंटरव्यू डेफिनेटली यू विल गेट द गुड सैलरी। सो दैट इज अ लिंक टू ईच अदर, वट ट्रेनिंग यू विल गेट दैट यू विल परफॉर्म इन योर ऑफिस इन योर इंटरव्यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द अप्रेजल एंड यू विल गेट द डिसेंट मनी, सो दैट इज द लिंक थिंग। ओके, सो द थिंग इज इन अवर इंस्टीट्यूट एंड एलिमेंट हेल्थ यूट वॉट एक्जैक्टली वी आर प्रोवाइडेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड द लास्ट ऑल्सो एम शोइंग, वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट हेल्थ केयर एंड रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट नॉलेज, नॉट ओनली द मेडिकल कोडिंग, नॉट ओनली द सीपीसी, वी ऑल्सो टीच what exactly the thing where you want to work or where you will work. Then comes to the medical coding, soft copy of all the books like the CPT, ICD, human anatomies, and that all US based, not any Indian author, all US based practice sessions paper, CPT study materials, and all you can say every chapter's material you will get in your mail, as well as from this this the new session we are started our online portal too. Okay, so you will get one username password kind of thing, so according to that anytime you can check our website, go to their particular our portal, log in, and you will get all the study material, test paper, your practice test paper with the rationals and solutions if you are doing any mistakes, so you will get why you did the mistake, your questions, marking, everything you will check there in your particular portals. Okay, the practice scenarios were also provided, practice scenarios for all that 3 books, CPC, ICD, and HIPICS, different segment we covered, that is our exclusive CPC certification exam training. Okay, practical online mock test also we have, so if you want that copy paper test, we are providing that also. If you want online, so we are providing online too. Query and doubt solving session we are taking, and also provide job assistant and interview preparation tips. If you are going for any company first time for interview, so definitely provide the tips, how you will give your introduction, what question they will ask, so that all that things also we are providing in this our training part. Okay, so that is from my end. So now if any questions from your side guys, so welcome. Like Saurav, I think Saurav won questions. Let me check. Rohan Joshi. Okay, Rohan, you are there? Yes, sir. Rohan, this is my in the slide that my email ID is there and my contact number is there. Okay, so you can contact me by both method. You can call me, you can WhatsApp me, you can send me a mail. So this is the way how you yes, can contact sir, I me. I have one question for you. Okay. Good afternoon, sir. I'm Rohan Joshi from Institute of Pharmaceutical Sciences, Sage University. Okay, Rohan. Indore. Okay. Sir, my question is that, sir, as me and my sister both are working
एज अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ऑन आईटी सेक्टर सर, ओके कोर्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोजेक्ट सर. माय क्वेश्चन इज दैट सर, हाउ कैन वी सेट अप अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट फॉर मेडिकल कोडिंग, और सर हाउ टू बिल्ड अ कनेक्शन, सर हाउ टू बिल्ड अ कनेक्शन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज सो दैट दे कैन गिव अस अ प्रोजेक्ट ऑन मेडिकल कोडिंग. Yes, I agree. The thing is that Rohan, you can go there for the freelancing. Like Upwork is there, and many website is there. But the thing is there for setup of freelancing and medical coding, it's a bit difficult. I am not saying it is totally impossible, but it is a bit difficult. Why? Because they are asking many things. There, one thing is the HIPAA. I think you are aware about not on that. They have the HIPAA. HIPAA means Healthcare Insurance Portability and Accountability Act. On that, there because the data which we are using. Okay, that is a damn secure data. In USA, the patient healthcare data is very, very secure. Even spouse also don't have the rights until unless one, I mean, if husband or wife they have. If wife says do not allow to see the HPI means protected health PHI, sorry, protected health information to the husband, he is not able to see that. So that all that thing, the HIPAA and the connections to the different client, to the provider, doctor, it is a bit difficult process. So if you have the knowledge of particular this field, you are working on that particular medical coding with any institute or with any organization, learn that thing, and then you will get the approach. Why? Because if you are doing freelancing, so definitely you will give to them this services we will provide to you. Convincing is there. Agree? Because you're already doing the freelancing. So I hope you understand that thing. So if you know the complete whole soul knowledge of that field, after that you will go for the freelancing in this. But honestly speak, starting as a career and go for the freelancing is a bit difficult. I hope I give you the right answer, Rohan. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? Any question? Feel free to ask any kind of doubt. That is the 15 minutes I'll put for that, for the questions.